ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे किया जाए। ऐसे कौन से स्थान है जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना चाहिए। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कैसे किया जाए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो रुद्राक्ष अपने आप में ही सिद्ध है, लेकिन शिवपुराण में एक ही उपाय लिखा है। 108 बेलपत्र पर शंकर जी का नाम लिखकर रुद्राक्ष पर समर्पित कर दीजिए, या लाल चंदन रुद्राक्ष पर समर्पित कर दीजिए, या फिर रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डालकर फिर रुद्राक्ष को निकाल कर शंकर जी को समर्पित कर दीजिए। सबसे पहले शंकर जी के सिर पर, फिर उनके चरणों पर रुद्राक्ष को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद उस रुद्राक्ष को उठाकर पहन लीजिए, आपका रुद्राक्ष सिद्ध हो जाएगा। रुद्राक्ष को कहाँ पहनकर नहीं जाना चाहिए। शिवपुराण के अनुसार कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि रुद्राक्ष को कब कब उतार कर उसे अभिमंत्रित करके कब कहाँ रखना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। तो रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के किसी भी सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये इतने दिनों में आप अपने रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने गले में रुद्राक्ष को धारण कर रखे हैं या फिर अपने हस्तकमल में रुद्राक्ष पहन रखे हैं, तो उसे एक बार इन दिनों में से किसी भी दिन रुद्राक्ष को अभिमंत्रित अवश्य कर लें। तो रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कैसे करना है वो जान लेते हैं। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने के लिए सबसे पहले उसे अच्छे दूध में डाल लीजिए, फिर उसमें से धो करके उसे स्वच्छ पानी से धो लीजिए, फिर रुद्राक्ष में थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर लगा लें। अब रुद्राक्ष में सरसों का तेल लगाने से क्या होता है, तो होता ये है कि शिवपुराण कहती है रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, सादे जल से धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर लगा लें, क्योंकि तेल से रुद्राक्ष में बल मिलता है। तो कौन सा बल मिलता है वो भी जाने। जो मनुष्य के शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसलिए रुद्राक्ष में सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। शिव पुराण यहाँ तक कहती है कि अगर कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी हो गई है तो रुद्राक्ष को कुछ देर पानी में डालकर यदि उसका पानी पी लिया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त हो जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष का जल पिया जाता है। रुद्राक्ष में बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने की क्षमता है। लेकिन ध्यान रहे, जिस रुद्राक्ष को आप जल में डालकर पीते हैं उसे सिद्ध करने के लिए, उसे अभिमंत्रित करने के लिए दूध में डालना, स्वच्छ जल में डालना, लेकिन उस पर सरसों का तेल मत लगाना। लेकिन जिस रुद्राक्ष को आप अपने गले या हाथ में पहनते हो उसे अभिमंत्रित करने के लिए दूध और स्वच्छ पानी से धोने के बाद उस पर सरसों का तेल अवश्य लगा लेना, ताकि उस रुद्राक्ष को बल मिल जाए, ऐसा शिवपुराण कहती है। और शिवपुराण ये भी बताती है कि ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पर रुद्राक्ष को पहनकर जाना वर्जित है। तो वो स्थान है जहाँ पर बच्चे का तुरंत के तुरंत जन्म हुआ हो, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती हो या मदिरा का पान होता हो, और कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर जीव की हत्या कर दी गई है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को कभी भी मत ले जाना। और ऐसा स्थान जहाँ पर आपके रुद्राक्ष का अपमान हो रहा हो, अपमान शब्द से तो आप समझती होंगी कि जहाँ पर आपको कहा जाए क्यों आप ढोंग पर पंच में पड़े हैं। रुद्राक्ष धारण करने से कुछ नहीं होता, जहाँ पर एक शिव भक्त से ही शिव का अपमान किया जाए वहाँ पर रुद्राक्ष को पहनकर बिल्कुल मत जाना।